डिब्बों में अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों की खैर नहीं होगी। भारतीय रेल के कोरस के जवान अपराधियों के होश उड़ाएंगे, जिससे मुसाफिरों के लिए कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करना आसान होगा। क्या है कोरस, बता रहे हैं हमारे रेल संवाददाता राजेश राज। अब दुर्गम रास्तों और नक्सल प्रभावित इलाकों में रेलवे के मुसाफिर बेखौफ यात्रा कर सकेंगे। भारतीय रेल के कोरस अब तमाम असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे ताकि मुसाफिर बिना डरे सहमे रेल यात्रा कर सकें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कमांडो ऑफ रेलवे सिक्योरिटी यानी कोरस के जवानों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर आरपीएफ के लिए जगाधरी में नया बनाया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसको सुधार की जाएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट इक्विपमेंट लाया जाएगा और नए आरपीएफ कमांडो की जो कोरस यूनिट है इसको राष्ट्र और रेल की सेवा में समर्पित करता हूँ। इस मौके पर कोरस के जवानों ने एक डेमो प्रस्तुत कर लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। डेमो में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे ट्रेन के डब्बे में असामाजिक तत्वों के प्रवेश की हालत में कमांडो ऑफ रेल सिक्योरिटी के जवान अपनी बहादुरी और तत्परता से अपराधियों को धर दबोचते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों के जीवन को महफूज रखते हैं। वाकई भारतीय रेल का अभिनव प्रयोग नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा। कमांडोज ऑफ रेलवे सिक्योरिटी दुर्गम रास्तों और नक्सल प्रभावित इलाकों में चीता की रफ्तार से रेलवे की सुरक्षा करेंगे। यात्रियों की जान को महफूज बनाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास करेंगे जो नक्सलियों और तमाम असामाजिक गतिविधियों की भेंट चढ़ जाते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।